पहले 2-3 दिन देता, फिर गैप पाके फिर 2-3 दिन देता, तो ये सारे डॉट्स कनेक्टेड सी, सारा कुछ बहुत स्मूथली जा रहा सी, पता ही नहीं लग रहा सी किवें हो रहा किवें नहीं हो रहा, बस हुंदा जा रहा सी। ऑलरेडी मैं 3 साल यूथ फेस्ट जर्नल क्विज आपके कॉलेज में रिप्रजेंट करती रही हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर। मैं लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सी मेरे लिए इन्नी छोटी एज के उत्थे जाना, कि हुन अचीवमेंट्स आंदिया रहनगे जिंदगी दे विच, ए शुरुआत सी अचीवमेंट्स दी मेरी। पुत्ता वांग पाली इक धी ने अपने मापिया दे नाल नाल पूरे जिले का नाम रोशन कर दिता है, जिसने कौन बनेगा करोड़पति दे विच हिस्सा लिया ते 3,60,000 रुपए जीत के वापस अपने जिले च पहुंची है, ते घर पहुंचन ते इस धी का बड़ा ही शानदार तरीके नाल स्वागत किया गया। दस दिए कि मानसा दे कस्बा बुढलाडा दी रहन वाली नेहा बजाज, जिसनू परिवार ने पुत्तां दे वांग पालिया अते उसने हुण अपने मापियां दा सिर फखर नाल उच्चा कर दिता है, जो कि एक निजी चैनल दे शो कौन बनेगा करोड़पति दे विच पहुंची अते 3,60,000 रुपए जीत के घर परती है, जिस तो बाद परिवार वालियां नू ता वधाई देण वालियां दा ताता लग्या होया है। इत्थे नेहा नू वी खूब मुबारकां मिल रहियां ने। अमिताभ बच्चन दे नाल हॉट सीट ते बैठ के सवालां दे जवाब दे के उसने ए 3,60,000 रुपए जीते ने, ते उसने अपना तजुर्बा भी सांझा कीता है। हालांकि इत्थे नेहा दा कहना है कि उसनु कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पई, ए तां इदां लग रिहा सी जिद्दां अपने आप ही सब कुछ हो रिहा है। उसदे सारे इंटरव्यू क्लियर होए, सारे जवाब सही निकले, ते जदों हॉट सीट ते बैठ के अमिताभ बच्चन दे नाल उस सवालां दे जवाब दे रही सी, तां उस दौरान भी ओह बेहद खुश सी। उसने कहा कि उसनू खुशी है कि उसने कुछ सवालों के जवाब सही दिते ते 3,60,000 रुपए जीत के घर परती है, ते परिवार नू भी अपनी धी ते मान महसूस हो रहा है। सर मेरा कोई प्री प्लान नहीं सी कुछ भी, ये तो जस्ट रैंडमली एक बार रजिस्ट्रेशन खुलियां सी, उस तो कोइंसिडेंटली मैं घरे सी, तो मैं आंसर देते सी 5-7 दिन, मतलब पहले 2-3 दिन दिता, फिर गैप पाके फिर 2-3 दिन देता, तो ये सारे डॉट्स कनेक्टेड सी। तो मैं फिर उस बाद कॉल्स आ गई, एक महीने बाद IVR कॉल आई कि थोड़ा रिटर्न का सेंटर आ गया, फिर रिटर्न का सेंटर भी देन, मैं रिटर्न नहीं देन जा रही सी आपका, तो पेरेंट्स ने बहुत फोर्स किया, फिर मैं रिटर्न देन गई और रिटर्न भी कोइंसिडेंटली क्लियर हो गया, फिर उस बाद वीडियो इंटरव्यू क्लियर हो गया, फिर 2 महीने बाद मैंने कॉल ही आ गई कि तुम आना है, तो डिसलैक्ट हो जब डिसलैक्शन। सर मतलब मुश्किल नहीं कह सकते, बट ये सारा कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है किवें हो रहा किवें नहीं हो रहा, बस हुंदा जा रहा है। पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट सी उधरों। ऑलरेडी मैं 3 साल यूथ फेस्ट जर्नल क्विज आपके कॉलेज में रिप्रजेंट करती रही हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर, तो उधरों पढ़ते भी रहने, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहने, तो इन्ना मुश्किल होया नहीं है तैयारी करने। पेरेंट्स का तो हमेशा ही सहयोग रहा है, मतलब पेरेंट्स कदे भी किसी गल पिछे कुछ नहीं करते, कोई टोका टाकी नहीं, जो तुसी करना तुसी करो, जो तुसी बनना चाहते हो, जो तुसी पढ़ना तुसी पढ़ो, जिथे भी मतलब पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा। मैं लगता है कि बहुत वड्डी अपॉर्चुनिटी सी मेरे लिए इन्नी छोटी एज दे विच उत्थे जाना, मतलब आई है कि मेरी लाइफ दी ग्रैंड ओपनिंग हो गई है हुण, कि हुण अचीवमेंट्स आंदियां रहनगियां जिंदगी दे विच, ए शुरुआत सी अचीवमेंट्स दी मेरी। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?